आज आंखा बारिश शान। अच्छा, इसमें मैंने जंतु का करेक्टर किया था और इंडिया में बहुत पसंद किया गया था। तो जब वो वहाँ इंडिया से वो जिन्होंने बुलाया था वो जब आए थे हमारी मैडम के पास, उन्होंने कहा था कि वो जनते के पैरों में गिर गए, कलाकार आ गए, पाकिस्तान से गए हम, ऐसे पैरों में गिर गए कि नहीं जी कलाकार आ गए। तो उन्होंने हमारी बहुत इज्जत हमें दी। वहाँ पे चार शहरों में गए थे हम। यहाँ पे इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि आप और सिंगर, लेकिन उनको उनकी कोई कदर नहीं, कोई उनको पजीरा ही नहीं दी थी। सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावड़े आ गया, मेनू हीरी बड़ावड़े आ गया, मेरे पग जगावड़े आ गया। बुरी अम्मा का बुरी का तब उसमें वो नज़म चल रही है तो उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ उसके साथ, उसके रिदम के साथ में चल रही थी। मुश्किल है सिंगिंग ज्यादा मुश्किल थी या अदाकारी? देखिए काम तो कोई भी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सिंगिंग भी मुश्किल है, सिंगिंग तो बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए के समझे के इसके सुर जो है ना, कहते हैं ना लय लयदार होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए। हाँ। लय में जरूर होना चाहिए, तो इसलिए कि ये मुश्किल है। तो मैं मस्कत में 3 बार रिपीट हुई थी, उन्होंने बोला था वही सिंगर को बुलाओ। अच्छा, तो ये है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैंने कहा ठीक है, अगर आप 2-3 दिन 4 दिन आप गाना नहीं गाएंगे गाते कोई रियाज नहीं करते बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे है। और कौन सा गाना सुनाएंगे हमें मैडम जी का? जी जी अच्छा और भी सुना देती हूँ गाना मैडम जी के, बड़े बड़े अच्छे गाने हैं। सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावड़े आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावड़े आ गया, इंग लगदा जिवें राजन मैनू हीर बनावण आ गया। हो सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावड़े आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया, मेरे पग जगावड़े आ गया। जींद जान सदके सारी आप वारी, तेरे कदमा तो नैना वाले आई। जींद जान सदके सारी आप बारी, तेरे कदमा तो नैना वाले आए, किते शान तेरी। हो सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया, मेरे पग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही। वाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, पता चलता है कि हाँ ये वाकई रियाज करती हैं और अपनी आवाज का बड़ा ख्याल रखती हैं। किन किन बड़े अदाकारों के साथ जो आज भी जिनका बड़ा नाम है उनके साथ आपने काम किया? हाँ जी, मैंने फरा लाल, अच्छा नसीबो लाल उनके साथ, फिर ये ये भी थी उनके साथ भी, और ये मेल सिंगर में भी थे दो उनके साथ भी किया। आगे आप किस करियर को लेकर जाएंगी, सिंगिंग को लेकर जाएंगी, अदाकारी को लेकर जाएंगी? ज्यादा फोकस सिंगिंग पे है मेरा। अच्छा, ज्यादा फोकस इसी पे है, लेकिन मुझे ड्रामे के लिए अगर बुलाते हैं तो मैं कर लेती हूँ, करती हूँ। अब ये कुछ दिन पहले ये टोट बटोट वाला ये कि नज्म पे सिर्फ अदायगी थी, इस पे डायलॉग नहीं थे। हाँ, वो मुश्किल होता है कि आप सिर्फ अदायगी कर रहे हो, एक नज़म चल रही है उस पे सिर्फ आप एक्ट कर रहे हो, डायलॉग नहीं है। डायलॉग में अलग चीज है, एक्ट करना मुश्किल है कि वो क्या कह रहा है, किस टेम्पो पे जाकर आपने अपनी अदायगी या अपनी एक्टिंग दिखानी है। जैसे मैंने करेक्टर किया बूढ़ी अम्मा का बूढ़ी का, तब उसमें वो नज़म चल रही है तो उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ उसके साथ, उसके रिदम के साथ में चल रही। मुश्किल है। ये वही कर सकते हैं जो कोई पुराना एक्टर हो और जिसे पता हो एक्टिंग के क्या क्या रूल्स हैं। इस इनका मैंने ये किया था जो इंडिया में गया था ड्रामा,
आज आखा बारिशान। अच्छा, इसमें मैंने जंदी का करेक्टर किया था और इंडिया में बहुत पसंद किया गया था। तो जब वो वहाँ इंडिया से वो जिन्होंने बुलाया था वो जब आए थे हमारी मैडम के पास, उन्होंने कहा था कि वो जंती किधर है मुझे तो मैडम मैं कहने लगी भाई तुम्हें तो बहुत याद कर रहे थे जंती का करेक्टर, जंती किधर है, मतलब उस गेटअप को ऐसा जिस गेटअप में करेक्टर में हो ना वो अंदर उतार लो तभी आप वो एक्ट कर सकते। इसलिए तो उन्हें आज भी याद था कि वो जंती, और आपका रियल नाम भूल गए वो याद किधर है। किन किन मुल्कों में आपने अपनी अदाकारी के या सिंगिंग के जौहर दिखाए? मैं सिंगिंग में ज्यादा गई हूँ क्योंकि अदाकारी में भी गई हूँ लेकिन अदाकारी में इंडिया में गई थी, वहाँ पे चार शहरों में मैंने किया जिसका मुझे वो उन्होंने इंडिया पे बड़ी बात है ये कि एक वहाँ से एक शील्ड मिलना तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। पैसे भी मिले थे कि नहीं? क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि वो मैंने ये देखा वहाँ पे कि वो एक्टरों का बहुत अदब एहतराम और बहुत वो इज्जत देते हैं। मैंने कहा हमारे पैरों में गिर गए थे कलाकार आ गए, कलाकार पाकिस्तान से गए हम ऐसे पैरों में गिर गए कि नहीं जी कलाकार आ गए, तो उन्होंने हमारी बहुत इज्जत हमें दी। वहाँ पे चार शहर में गए थे हम, कुरुक्षेत्र, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। अच्छा, चार शहर में हमने ये ड्रामा किया था। आपका नाम और अगर देखा जाए पूनम नाज, बड़ा फिल्मी नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, इस नाम के पीछे क्या कहानी है? आपका रियल नेम है या आपने मतलब एक होता है ना जब शोबिज में इंसान आता है तो नाम चेंज करता है, बहुत खूबसूरत नाम है। लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, मेरा नाम मेरे डैडी ने रखा था और वो प्यार से मुझे पुणे बोला करते थे। अच्छा, पुणे, तो उनकी मोहब्बत से वो, क्योंकि मैं उनकी लाडली थी बहुत ज्यादा, तो मैंने ये नाम नहीं चेंज किया। मैंने इसी नाम में फील्ड में भी मैं करना अभी आके मैंने करना भी चाहा लेकिन मैं वो नहीं हो सका, नहीं मुझे फील्ड वाले लगा नहीं बहुत अच्छा नाम, नहीं चेंज करना। चलो ठीक है, प्यारा एक फिल्मी नाम है। हाँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं कह नहीं ये मेरा अपना नाम है, करते हैं चेंज लेकिन नहीं। जैसे आप में इतना टैलेंट है और 20 साल से आप मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उस टैलेंट की कदर है? कितनी कदर की गई आपके? नहीं, यहाँ पे इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि आप और सिंगर, लेकिन उनको उनकी कोई कदर नहीं है, कोई उनको पजीरा ही नहीं दी जाती। आजकल जो अब मौजूदा वक्त में जो चल रहा है ना, मैं देखती हूँ, मुझे बुलाते भी हैं, लेकिन मेरे अलावा भी सीनियर आर्टिस्ट सिंगर्स आते हैं ना तो उनकी वो बात नहीं है क्योंकि न्यू जनरेशन है ना, न्यू लोग है ना, बच्चे हैं आजकल, उन्हें क्या पता। एक बात है कि ये बड़ी सिंगर है, ये उनकी रिस्पेक्ट करें, जैसे हमारे अब नाम लो ना, जैसे महनाज हो गई, तरन्नम नाज हो गई, ये कौन है, क्योंकि नहीं पता ना उन्हें, फर्क है। इसी तरह यह है कि वो बात नहीं है, मैं अब जाऊँ भी तो मैं ना बैठी होती है, मेरी आदत है लेकिन उन्हें हम लोग थे, हम सीनियर के जूनियर के क्या उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं हमारे पाकिस्तान नहीं करते, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते।